नमस्ते टू ऑल, मायसेल्फ रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एसीएम, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। तो अवर टॉपिक इज एमएफए। विथ नैलबूम एंड अवर सब्जेक्ट इज थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास, वी हैव स्टडीड अबाउट कन्वर्टिंग एन एफ ए विथ नल मूव टू इट्स इक्विवेलेंट बी एफ ए। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट कन्वर्टिंग एन एफ ए विदाउट नल मूव टू इट्स इक्विवेलेंट बी एफ ए। ओके, सो टुडे वी डिस्कस कन्वर्टिंग ऑफ एन एफ ए विथ नल मूव टू इट्स इक्विवेलेंस एन एफ ए विदाउट नल मूव। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्सो गेट एग्जाम। सो दीज आर द पॉइंट्स बाई विच वी कैन कन्वर्ट एन एफ ए विथ नल मूव टू इट्स इक्विवेलेंट एन एफ ए विदाउट नल मूव। सो वी विल स्टडी पॉइंट बाई पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्टली वी विल फाइंड ऑल द पेयर ऑफ वर्टिसेस विच कंटेन नल मूव। पहले हम लोगों को वो सारे पेयर पता करना है जो नल मूव करता है, दैट मीन्स नो इवन एनी इनपुट, दैट इज कॉल्ड नल क्लोजर क्यू आई। ओके, वेयर क्यू आई बिलोंग्स टू क्यू। सेकेंड पॉइंट, द डेल्टा नॉट कंडीशन कैन बी ऑब्टेन्ड। द डेल्टा नॉट ट्रांजिशन मीन्स क्लोजर ऑन डेल्टा ट्रांजिशन। सेकेंड स्टेप इज रिपीटेड फॉर ईच इनपुट सिंबल एंड फॉर ईच स्टेट ऑफ द गिवन एनएफए। फोर्थ पॉइंट, यूजिंग द रिजल्टेंट स्टेट द ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्विवेलेंट एनएफए विदाउट नल मूव कैन बी यूज। मतलब कि आपको एनएफए का जो ट्रांजिशन टेबल है उसको विदाउट नल मूव फाइनल फोर्थ स्टेप में बनेगा। एंड फाइनल स्टेप, इन द लास्ट स्टेप वी कैन कंस्ट्रक्ट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फ्रॉम द स्टेट ट्रांजिशन टेबल वाज ऑब्टेन्ड इन स्टेप फोर्थ, जो के स्टेप में बना है। देखते हैं, प्रॉब्लम से देखते हैं अपन। यहाँ पे प्रॉब्लम अपने ये है कि कन्वर्ट गिवन एन एफ ए विथ नल मूव टू इट्स इक्विवेलेंट एन एफ ए विदाउट नल मूव। एन एफ ए आपको दिया हुआ है जिसमें नल मूव्स है, उसको विदाउट नल मूव्स में कन्वर्ट करना है। ओके, क्लियर टू ऑल? क्या करना है, मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि आपको जो ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है वो नल मूव्स के साथ दिया हुआ है एन एफ ए में, और आपको विदाउट नल मूव्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, डायग्राम दिया हुआ है आपको, देखने ऊपर ट्रांजिशन डायग्राम फॉर एन एफ ए विथ नल मूव्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, देखें आप लिखा हुआ है, फर्स्ट वी मेक्स ए ट्रांजिशन टेबल। पहले क्या करेंगे अपन, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे फॉर द ट्रांजिशन डायग्राम से दैट शोन इन द फिगर। ठीक है ना, तो हमने क्या बनाया, क्यू जीरो, आपको कौन सा स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू जीरो, क्यू वन एंड क्यू टू जो फाइनल स्टेट में। अब देखते हैं यहाँ पे कि आप ए इनपुट देते हैं, इनपुट कौन कौन सा है। इसके पहले एन एफ ए में और डी एफ ए में अपन केवल दो ही इनपुट लेते थे, यहाँ पे नल मूव्स है इसलिए यहाँ पे एक नल, तीन इनपुट लेंगे, ए बी और एक नल मूव्स की अलग से कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। तो क्यू जीरो को ए इनपुट देंगे तो कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन से। क्यू जीरो को बी इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं, फाइव, मतलब कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहा। ठीक है ना, मतलब सेम स्टेट पे। और अगर नल देते तो नल सबके लिए है ही। सिमिलरली क्यू वन को देख लिए और क्यू टू को भी देख लिया हमने, भाई क्यू वन को दिए ए इनपुट तो फाइव, बी इनपुट दिए तब भी फाइव, एंड और नल इनपुट दिए तो कहाँ पे गए, क्यू टू पे गए। सिमिलरली क्यू टू को ए इनपुट दिए तो फाइव, बी इनपुट दिए तो क्यू टू, एंड नल इनपुट दिए तो कहाँ पे चले गए, फाइव, मतलब सेम स्टेट में। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे, नाउ वी विल फाइंड द क्लोजर क्यू जीरो। आप यहाँ पे देखें, क्लोजर क्यू जीरो का मतलब ये है कि आप इसको कोई इनपुट नहीं दिए तो कहाँ पे हैं, क्यू जीरो पे ही हैं, और क्यू वन को आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया इसको क्यू वन को, तब भी वो क्यू वन पे ही हैं,
और नल इनपुट दे दो, कहाँ चले गए, क्यू टू पे चले गए। देखिए दोनों स्टेट में है कि अगर आपने क्यू वन को बाई डिफॉल्ट समझा जाता है कि अगर आपने कोई इनपुट नहीं दिया तो सेम स्टेट में रहेगा, और यहाँ पे टेबल डायग्राम में दिया हुआ है कि क्यू वन को आपने नल इनपुट दिया तो कहाँ चले गए, क्यू टू पे चले गए। सिमिलरली नल क्लोजर क्यू टू को आपने मतलब कुछ भी इनपुट नहीं दिया था, अभी आप देखे क्या है, क्यू टू पे ही है। इस तरह से आपको डेल्टा क्यू नॉट ए को आपने ए इनपुट दिया तो डेल्टा क्लोजर, मैंने पहला स्टेट समझा रहा हूँ आपको कि सिमिलरली किस तरह से होगा, तो आपको खुद समझना है। अरे स्टेट को मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ फर्स्ट स्टेप है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू नॉट को ए इनपुट दे रहे तो क्लोजर डेल्टा नॉट, यहाँ पे दो है डेल्टा एंड डेल्टा नॉट है, दो अलग अलग है, तो यहाँ पे डेल्टा नॉट अपन जो दे रहे हैं कहीं पे भी, तो दैट इज द फोर नल इनपुट के लिए, नल मतलब स्टेट चेंज करने के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमने डेल्टा क्या है नल के लिए ले रहे हैं, तो डेल्टा फिर ब्रैकेट डेल्टा नॉट ब्रैकेट डेल्टा सॉरी क्यू नॉट को नल इनपुट दिए और फिर ब्रैकेट है ए इनपुट दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने डेल्टा नॉट मतलब मैंने पहले बताया कि आपको डेल्टा नॉट नल इनपुट के लिए है, तो हमने Q0 को नल इनपुट दिया तो कहाँ पे गए, Q1 पे ही है, Q0 पे ही है, तो हमने क्या लिख दिया, Q0 लिख दिया। अब देखिए आपके क्या बच गया, डेल्टा Q0 A। अब हमने Q0 को A इनपुट दिया तो कहाँ पे चले गए, Q1 पे चले गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या लिख लिया, हाँ Q1 को हमने Q0 के इनपुट दिया कहाँ चले गए, Q1 पे चले गए, ठीक है। और Q1 को हमने नल इनपुट दिया तो कहाँ पे चले गए, Q2 पे चले गए, ठीक है ना। अरे बात समझिए, तो आपका जो डेल्टा नॉट क्यू नॉट ए से इनपुट देने से आपको जो फाइनल जो आपको स्टेट मिला प्लस देखा जाए तो Q1 Q2 मिला। सिमिलरली डेल्टा नॉट मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डेल्टा नॉट जो देखा जा रहा है यहाँ पे वो नल क्लोजर के लिए है, मतलब नल इनपुट के लिए है। सिमिलरली हमने देखो डेल्टा नॉट क्यू नॉट बी इक्वल टू नॉट क्लोजर डेल्टा नॉट क्यू नॉट ए नल ब्रैकेट क्लोज बी, तो यहाँ पे फाइनल हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। सिमिलरली डेल्टा नॉट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेल्टा नॉट नल क्लोजर के लिए है, नल इनपुट के लिए है, यहाँ पे Q1 को ए इनपुट दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है। सिमिलरली डेल्टा नॉट को Q1 को बी इनपुट दे रहे हैं तो फाइनली हमें Q2 मिल रहा है। सिमिलरली डेल्टा नॉट को Q2 को ए इनपुट दे रहे हैं तो 5 जा रहे हैं। सिमिलरली डेल्टा नॉट Q2 को बी इनपुट दे रहे हैं तो Q2 मिल गया। तो ये आपका एक तरह से हर के लिए Q1 को आपने Q0 को ए इनपुट दिया, नल इनपुट दिया, Q0 को फिर अगेन ए पे Q1 पर पहुँच गया, Q1 को आपने नल इनपुट दिया, बी इनपुट दिया तो क्या मिला, और फाइनली हमारा इस तरह से आपको एक स्टेट मिल गया। तो आपका लास्ट मतलब फोर्थ स्टेप है, द ट्रांजिशन टेबल फॉर डेल्टा नॉट फंक्शन इज शोन बिलो। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपको करना क्या था कि जो लास्ट स्टेप है, मैं अगेन स्लाइड बैक ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस वाले में आप स्लाइड में देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक कॉमन थर्ड जो बना है कॉलम्स वो नल के लिए, मतलब कोई इनपुट के लिए नहीं, ठीक है ना। तो हमें इस वाले जो थर्ड वाले जो कॉलम्स हैं उनका क्या करना है, उनका हटाना है, वो नल हमें तभी तो डाउट होगा, तो उसे हमें हटाना है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो आपने यूनियन लोगे सबका, तो हमें देख लिया यहाँ पे Q0 Q1 Q2 ए इनपुट दिए तो Q1 Q2 बी और बी इनपुट तो 5 के आ गए, और Q1 को हमने ए इनपुट ऑफ 5 बी इनपुट दिए तो Q2 को ए इनपुट ऑफ 5 और बी इनपुट ऑफ Q2, इस तरह से आपका टेबल बन गया। अब सिंपल है, अगर आपको टेबल बन जाए तो डायग्राम बनाना इसको सिंपल भाई। आपको देखिए यहाँ पे Q0 को आपने ए इनपुट दिया, देखिए यहाँ पे Q0 को ए इनपुट दिए कहाँ पे चले गए, Q1 पे चले गए। Q0 को बी इनपुट ए इनपुट दिए तो कहाँ पे चले गए, देखिए फाइनल स्टेट पे डायरेक्ट आ गए। अब आ जाते हैं Q1 पे, Q1 को ए इनपुट दिए तो कहाँ पे चले गए, Q1 को ए इनपुट दिया मतलब नल है कुछ भी नहीं वहीं पे। और अगर आपने Q1 को बी इनपुट दिया तो कहाँ पे चले गए, Q2 पे चले गए, देखिए यहाँ पे 13। एंड Q2 को आपने ए इनपुट दिया कहाँ पे, 5 पे हैं, एंड Q2 पे बी इनपुट कहाँ पे, Q2 पे चले गए। दिस इज द फाइनल डायग्राम फॉर द
वी देन इनपुट। ओके, तो इस तरह से ट्रांजिशन टेबल फोर तक विदाउट नल मूव एन एस ए में देख लिया अपन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आप यू ऑल लाइक माई वीडियो, सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया। फिर भी कोई डाउट्स है तो अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर सकता हूँ ये लेक्चर को, ये लेक्चर को वापस में रिपीट। अगर किसी को डाउट है अभी भी तो मैं इस लेक्चर को रिपीट करूँगा, और आशा करता हूँ होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मोर एंड मोर। थैंक यू टू ऑल, वेलकम।